दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर है RSM SSB बोर्ड ने दोस्तों वुमन सुपरवाइजर जो एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, कब से ऑब्जेक्शन लगाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आंसर की को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की वाला जो ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं वुमन सुपरवाइजर आंसर की 2018। तो दोस्तों आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले से किया हुआ था। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए गए हैं ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके डिलीट किए गए हैं। एक तो 51 किया गया है जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन डिलीट किया गया है आपका यहाँ पर 147। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दोस्तों डिलीट किए गए हैं, 51 और एक 147, 147 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किया गया है। अब दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाने हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा कि कब से इसके ऑब्जेक्शन लगेंगे। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ था दोस्तों ऑब्जेक्शन का जो प्रोसीजर है कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका ओपन हो रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आज का है ये, और जो कोड 47 मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और दोस्तों 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा इस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। आप जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो इसके आंसर की डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मिलान करिए अपने प्रश्न पत्र का। और जो उत्तर आपको गलत लगता है कि बोर्ड ने गलत दिया है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाएं प्रमाणिक जानकारी के साथ। इसके लिए दोस्तों आपको 100 रुपये का शुल्क देना है, ठीक है, प्रत्येक आपत्ति पर। जैसे आपके 2 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगानी है तो आपको 200 रुपये का यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। और आपत्ति लगाने के लिए जो डेट है दोस्तों 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी यानी कि 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। 100 रुपये पेमेंट देना है आपत्ति का पर क्वेश्चन की आपत्ति लगाने के लिए, और 3 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आप आपत्ति लगाएं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के बाद आपके जो मार्क्स हैं आपने कोचिंग संस्थान की देखी होगी आंसर की, उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, अपने नंबर एक बार बिल्कुल कमेंट करें, जिससे दोस्तों जल्द ही इस महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2018 का दोस्तों आपको कट ऑफ बता दिया जाए। तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन लोगों तक ये वीडियो आप पहुँचाने का कष्ट करें। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।